कैसा था जब पहली बार कुछ आप गईं, कुछ पहली कुछ बार जब आप गईं और किसी ने आपसे कुछ बात नहीं की, खामोशी थी आसपास, बहुत अच्छा था, अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। थोड़ा वो नहीं होता, एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि अब मैं गुजर रही हूँ या मैं बैठी हूँ तो मुझसे अब आके कोई ना कोई बोलेगा, बट कुछ हुआ नहीं तो थोड़ी एम्प्टीनेस नहीं फील हुई थी? मेरा ख्याल है मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से लिया। नॉर्मली यूजुअली ये तो होता है, आप एक ऐसी लाइफ जो आपने गुजारी हो जहाँ लोग आपके बारे में बहुत बात कर रहे हैं और आप हर रोज़ देखी जा रही हैं स्क्रीन पे, और फिर एकदम से वो सारी चीज़ें नहीं होती तो शौक आता है इंसान को। लेकिन मैंने उन दिनों में ज़्यादा पढ़ाई और एग्ज़ाम्स और इन सारी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दे ली, तो आई थिंक ये क्या टाइम पीरियड था? बिकॉज जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी शायद से, तो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी। आई नो, एम आई राइट, 12 ईयर्स आपने होस्टिंग की है? Yes, almost 11 years. 11 years. Yes. Okay, and then this is which is the time period when you left and आपने सोचा कि मुझे ब्रेक लेना है? मैंने देखिए, मैं ब्रेक तो बीच में आते रहे हैं मेरे, कंटिन्यूटी तो रही नहीं है, क्योंकि मैंने एक चैनल से दूसरे चैनल पर स्टार्ट किया। उसके बाद जो ब्रेक मेरा आया वो एक्चुअली 2014 में आया। उसके बाद फिर मैंने 15 के एंड में ज्वाइन किया दोबारा, तो एक साल का, डेढ़ साल का तकरीबन गैप था, और फिर मैंने उसको 16 में बिल्कुल ही खुदा हाफिज़ कह दिया। क्यों? क्योंकि जब आप वापस आई 2015 में तो आप एज अ होस्ट ही वापस आई, राइट? आपने ड्रामे नहीं टच किए। जी, आप एज अ होस्ट ही वापस आई। व्हाट मेड यू, एंड देन वो आप ब्रेक लेकर आई थी तो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ आपने चीज़ें सोच ली होंगी। जी, ये मुझे पहले मेरा 2014 में दोबारा ये वाली जर्नी शुरू हो गई थी जो मैंने छोड़ी थी अपनी पढ़ाई की। ओके, अच्छा, प्रैक्टिस की। तो वो फिर मुझे इतना टाइम खुद भी नहीं मिल पाया था, और आई थिंक मैं बहुत एक जगह, देखिए एक जब आपके पास ऑप्शन ही एक होता है कि आपने करना ही होस्टिंग है और इसी से दैट्स हाउ यू मेक योर लिविंग, तो फिर आपके पास चॉइस ही नहीं होती। मेरे साथ ये अल्लाह का बहुत शुक्र है कि चीज़ें डिफरेंट होने लगी थी, और फिर मुझे ये भी लगता था कि यार अब मैंने बहुत बेवकूफियां मॉर्निंग शो में कर ली है, अब इससे शी इज वेरी ऑनेस्ट, अब जो है ना, नॉट दैट आई एम सेइंग, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सो यस, फिर मैंने कहा कि फिर देखिए ना, मैंने जैसे हमेशा कहती हूँ कि भाई घर चलाना इन जिम्मेदारियाँ और चीज़ें, और वो जब कहीं और शिफ्ट होने लगी जैसे ही हुई तो मैंने सोचा कि बस ठीक है, अब मजीद बेवकूफ़ी नहीं करनी। ओके, तो फिर 2015 फिर ड्रामे की तरफ 2016 में आप कैसे आई? व्हाट मेड यू, मतलब पहली ऑफर कैसे आई, क्या ख्याल आया, किसने अप्रोच किया? फहद मुस्तफा। अच्छा, हाँ, वादा वाज योर फर्स्ट ड्रामा? जी जी, वादा। और फहद ने कहा नहीं नहीं करते हैं कर लोगी? तो मैंने भी सोचा शायद कर ही लूँ, इस तरह कर लिया। ऑल्दो अब मैं देखती हूँ तो कुछ तो बेहतर कर देती लेकिन होस्टिंग में भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है ना, एक्सप्रेशन काफी करने पड़ते हैं, जो आपका निगेशन होती है ना कंप्लीट, आप एक चीज को एग्री नहीं कर रहे और आप सुन रहे हैं कि हाँ डिप्रेशन लौकी से दूर हो जाता है, तो आप कह रहे हैं जी जी हो जाता है, अच्छा अच्छा, तो आपको करनी पड़ती है। सो फिर इतना नहीं घबराहट हुई होगी जब आपने एक्टिंग स्टार्ट की और कैमरे के सामने गई, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो थी आपको? हाँ, उस तरह की एक्टिंग की आदत नहीं थी, तो कर लिए, फॉर्म डिफरेंट। वाज इट डिफिकल्ट, डिड यू एंजॉय इट द फर्स्ट टाइम? मेरे लिए मुश्किल था पहले वादा, और खान तो बहुत ही मुश्किल था, वो भी बहुत ही मुश्किल था उडो के साथ। हाँ, बहुत ही मुश्किल, थोड़ा डर लग रहा था काफी, थोड़ा नुमान इजाज तो ना इज लाइक उनकी अपनी एक पर्सनालिटी और एक प्रेजेंस है ना, और फिर आपको दिख रहा था ना यार आप तो कुछ भी नहीं कर पा रहे ना, वो कहाँ खड़े हैं, क्या एक्टिंग है, क्या वो कहते हैं ना कि आप सिर्फ डायलॉग से एक्टिंग नहीं करते हैं, है ना, तो वो वाले एक्टर हैं ना, तो नुमान उनके सामने खड़े होकर एक्टिंग करना कोई आसान नहीं है, तो वो काफ़ी मुश्किल थी। क्या एक्सपीरियंस था, कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, हम फिर बाद में तो बड़े सेट पे हम गप्पे भी लगाते थे, बहुत अच्छा हमारा वो सारे दिन रहे टाइम, टीम बहुत अच्छी थी, लेकिन आई एम श्योर मैंने उन्हें बहुत परेशान किया होगा, क्योंकि कोई मैं पहली दफ़ा करना एक्टिंग, और वो भी इतने इस तरह के एक्टर के साथ, तो आई एम श्योर। तो पहला सीन जब था नुमान साहब के साथ तो आप घबरा रही थी? अरे मैं घबरा रही थी, तो वो तो बेचारे मैं सर में दर्द हो गया था उनके। अच्छा, क्यों? हाँ, क्योंकि इतनी मैंने रीटेक्स की थी ना, तो वो बाद में सर भी पकड़ रहे थे कि मैं किधर आ गया हूँ इसका। तो इसे मैं सोचती हूँ शायद कि ये भी बड़ी चीज़ होती है ना कि टू डू द रीटेक्स अगेन एंड अगेन, उसमें भी बड़ी करेज चाहिए होती है, क्योंकि सामने इतने एस्टैब्लिश एक्टर खड़े हुए हैं और आप रीटेक्स पे रीटेक्स करें। प्रेशर आपका ये होता है रीटेक्स, तो एक तो अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, दूसरा प्रेशर आपके पास ये होता है कि यार
इसको मैं कितना मतलब खामखाई तकलीफ दे रही हूँ ना इनके लिए, तो ये डायलॉग बोलना, दो जुमले बोलना कुछ भी नहीं, और मेरी वजह से वो बेचारे अपने एक्सप्रेशन होल्ड किए। बट यू वर सो लकी आई वुड से, पहला आपका फैसल कुरैशी के साथ, जी जी जी, हु इज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ माशाल्लाह से। आई मीन वो मैं फैसल कहती हूं, फैसल कुछ करते हैं तो मुझे लगता ही नहीं वो एक्टिंग कर रहे हैं। और लेकिन फैसल की एक बात बहुत अच्छी जो है, फैसल बहुत इनकरेज करते हैं। ओके, आप कितना ही बुरा काम करें होंगे, नहीं नहीं बहुत अच्छा है, और हाँ बेहतर इसको ये, लेकिन वो इतना सटल अंदाज से आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लाता है ना कि खैर मेरे दोस्त भी है तो मुझे बहुत ही ईजी था, हम तो बड़ा इंजॉय करते थे, खाने का ऑर्डर करते थे, दो सीन्स कर लें फिर उसके बाद। वही मुझे ये बताएं, फिर जब आप ये एस्थेटिक्स में आपने शुरू किया अपना सब कुछ, तो फिर बहुत से जो आपके सेलिब्रिटी फ्रेंड्स होंगे वो आए, कभी मुश्किल हो जाता था व्हेन दे एक्सपेक्टेड कि आप फ्री ऑफ समथिंग आप करें उनकी हेल्प या क्या? ये आप बड़ा कोई, मैं नाम नहीं पूछूंगी, बिल्कुल नाम नहीं पूछूंगी, मैं तो वैसे ही मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि ऐसा हुआ, बिकॉज यू वर, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बहुत ऐसी सारी चीजें फेस करनी पड़ी और अब तक करती हूँ, करती हैं। ओके, हर बंदा तो मेरा फ्रेंड नहीं हो सकता ना, ऑफ कोर्स, या कि आप उसको इतने परसेंट डिस्काउंट दे दें या बिल्कुल भी पैसे ना लें, मतलब कॉस्ट तो लगती है, और आपको पता है कि एस्थेटिक और इस तरह की सारी चीज़ें जो प्रोसीजर्स होते हैं उनमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो खासी महंगी होती हैं, तो बस उसके बाद बैठ के मेरे से तो मुंह से बोला नहीं जा सकता, मैं नहीं बोल सकती, तो मेरी टीम कहती है कि खुद जिस दिन मेरी कॉल आ जाए कि बाद से ना उन्हें कॉल कर लें, वो ये इतने बजे आएंगे आएंगी, तो टीम कहती है बस आज तो आज वो वाला दिन है, आज वो वाला दिन है। फिर मेरे अक्सर फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स कहते हैं कि मैम प्लीज आप ना बोलिएगा कुछ, हमें बात करने दें। ओके, मुझे बताएं शायस्ता, एज अ वर्किंग वुमन क्या चैलेंज है आपका, इज इट डिफिकल्ट हमारी सोसाइटी में, इतना माशाल्लाह से आप इतना सक्सेसफुल, आपने जब शोबिज में थी तब भी कम्प्लीटली जब थी तब भी आप बहुत सक्सेसफुल, ये भी आपका बहुत अच्छा चल रहा है, तो क्या चैलेंज एज अ वुमन जो खुद अकेली कर रही है, बिकॉज आपके हस्बैंड अपना वो करते हैं, जी जी उनका अपना, दिस इज मैनेज्ड बाय यू, क्या चैलेंज फील होता है आपको? चैलेंजिंग तो मेरा ख्याल है हर वो लड़की जो हमारी जैसी इन्वायरमेंट में रह के काम करती है, जो आसपास चीज़ें हमारे हैं, वो हर लड़की जो घर से बाहर निकल रही है काम करने के लिए, उसकी अपनी बेचारी अपने ही चैलेंजेस हैं, आपको पता है, लेकिन जो नॉन फेस होता है ना तो उसके लिए तो लोग मेरे लिए बड़ा आसान होगा, मैं आपको जानती हूँ, आप स्क्रीन पर आती हैं, आपके लिए कुछ भी मुझे कोई और मैं कह रही हूँ तो फिर तो कोई बहुत ज़रूरी, बिल्कुल आई थिंक हमें किसी के बारे में भी कुछ कहते हुए, एक तो लोग जजमेंटल बहुत होते हैं हमारे हवाले से, जो लोग स्क्रीन पर आते हैं नोन होते हैं कि अच्छा ये तो इसने बोला था ये यूँ होगा यूँ होगा, इसलिए अरे नहीं इसको तो कुछ नहीं आता होगा, ये तो मॉर्निंग शो करती थी, तो वो ये तो ये बहुत फेस करना पड़ा, यस बहुत फेस करना पड़ा, अब तो चूंकि बहुत साल हो गए हैं तो मेरे पास उसी फैमिली से एक खातून आई थी, तो अब छह खवातीन आती हैं, उनकी फ्रेंड्स भी आती हैं, लेकिन शुरू में मैंने ये इवन डॉक्टर्स के हवाले से भी खासा फेस किया, मेरी अपने प्रोफेशन में, मेरी अपनी कॉन्फ्रेंसेस में, कि आप अपने दूसरे प्रोफेशन, मुझे कुछ नहीं आता होगा, मुझे सिर्फ होस्टिंग करना आती है।